वेलकम बैक इन माई चैनल। तो आज हम करने वाले हैं सॉर्ट ऑफ ईद मेकअप लुक, जो कि इंस्पायर्ड है थोड़ा सा टर्किश वेरिएशन में। तो बिल्कुल ही यूनिक सा मैं हिजाब क्रिएशन भी लाने वाली हूँ। आपने देखा वीडियो में, तो वो जो एक्चुअली में हिजाब है ना, या फिर आप उसे बोल सकते हो कूफिया या काफिया बोलते हैं उसे, बेसिकली टर्की में इस टाइप का टर्बन स्टाइल हिजाब बनता है। तो आज हम उसी स्टाइल में आज मेकअप क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली आज का थीम रहेगा हमारा ईद का टर्किश इंस्पायर मेकअप लुक, क्योंकि मुझे टर्किश मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ मैं अपना फेवरेट सीरम लगा रही हूँ, जो कि है डर्मा को ब्रांड के तरफ से। ये सैलिसिलिक एसिड वाला सैलिसिलिक सीरम है, फेस सीरम है, जो कि फेस वॉश करने के बाद सबसे पहला मेरा रूटीन रहता है कि मैं अप्लाई करती हूँ। इससे ना फेस का पिगमेंटेशन कम हो जाता है एंड यू नो एक्ने मार्क्स जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। मेरे में काफ़ी अच्छा ये दिया है रिजल्ट। इन विद इन 15 डेज आई एम यूजिंग इट, मतलब वाइल्ड मतलब 15 डेज हो ही चुके हैं इसको यूज़ करते हुए एंड काफ़ी स्किन में मेरे चेंजेस आप देख सकते हो। साथ में मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ पोन्स का मॉइस्चराइज़र। ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है जो कि बहुत गुड टू गो है फॉर ऑयली स्किन। एंड देन आई एम अप्लाइंग वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर। गाइज ये अब कंसीलर को भी नोटिस करना, ये जिस तरीके से स्किन में ब्लेंड हो जाता है एंड बिल्कुल ही एक सीमलेस लुक देता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा एक्चुअल स्किन है या तो फिर वो कंसीलर है। बिल्कुल ये ना लगता ही नहीं है कि आपके फेस में ऐसा कुछ भी लगा हुआ है। जैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ ना, आप देख सकते हो कि वो बिल्कुल मेरे स्किन से मर्ज कर गया एंड लिटरली मुझे ना एक मिनट के लिए शॉक लगा था कि यार ये दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैं कैमरा में देख करके मेकअप कर रही थी अपने फ़ोन पे, तो मुझे वो स्क्रीन में नज़र आ रहा था कि वो बिल्कुल ना सीमलेस तरीके से ब्लेंड हो गया था। एंड अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेबरिन का फाउंडेशन जो कि है सेड 330। ये बिल्कुल परफेक्ट मैच है मेरे सेड के मेरे स्किन के टोन पर। तो अभी मैं इसे एक ब्रश से ले रही हूँ और इसे अप्लाई कर रही हूँ पूरे फेस में। आप देख सकते हो मैं पहले ना ब्रश से ही ब्लेंड कर रही हूँ एंड देन फिर मैं इसे एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अच्छे तरीके से फेस में ब्लेंड करूँगी और अच्छे से बेस अपना रेडी करूँगी। और मेरा बेस काफ़ी फ्लॉलेस वे में रेडी हुआ, आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छा एंड परफेक्ट लग रहा है इस वक्त। एंड अब मैं यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का कंटूर वाला जो उसका सीरीज़ है, ये शायद आई गेस कोको है शेड नेम इसका, ये डार्केस्ट शेड है एंड इससे मैं कंटूरिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा मुझे ना अपना फेस में थोड़ा एंगल देना है, क्योंकि आप जब टर्किश लुक देखोगे ना तो उनमें बहुत ही सॉफ्ट सा एक एंगल फेस में दिया रहता है एंड मुझे वो एंगल देना था, इसलिए मैं ना बिल्कुल ज़्यादा डार्क नहीं जा रही हूँ कंटूर करने के लिए। मैं बिल्कुल थोड़ा सा लाइटिस्ट कंटूर वाला कलर ली हूँ। और यहाँ पे मैं यूज़ करनी हूँ शायद फॉर एवर 25 मैं उसका शेड यूज़ कर रही हूँ कंसीलर का। मैं डाल दूँगी इसका डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना वहाँ से। एंड ये भी ना बहुत ही अच्छा था कंसीलर, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर जो मैंने अभी तक यूज़ किया है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका जो ब्लेंडिंग होता है ना भाई, मक्खन की तरह ब्लेंड होता है, ये बहुत मस्त था। एंड इसके बाद मैं अब यहाँ पे ब्लश बना रही हूँ। एक मेरे पास ब्लश है NYBAE का, ये लिक्विड ब्लश ऑन है जो कि आजकल मेरा ना बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं तो लिक्विड ब्लश ऑन के बिना रह ही नहीं सकती हूँ। तो मैं इसके साथ में एक लिक्विड लिपस्टिक पीच शेड में मिक्स कर रही हूँ। दोनों ही पीच था, बट जो NYBAE का था पीच वो थोड़ा डार्क टोन लाइट टोन पे था, उसे मैंने थोड़ा सा डार्क लिपस्टिक मिक्स किया ताकि वो थोड़ा सा यू नो थोड़ा डार्क टोन क्रिएट करे, क्योंकि मुझे ब्लश चाहिए बट थोड़ा सा टैन टाइप का ब्लश चाहिए, मतलब वो ब्राइट पिंक वाला ब्लश नहीं चाहिए था। उसके बाद फिर मैंने इसे ब्लेंड कर लिया एंड फिर मैं थोड़ा सा अपना इनर कॉर्नर आइज़ का हाईलाइट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर एंड स्विस ब्यूटी का कंसीलर तो वन ऑफ माई फेवरेट है एंड मुझे PR में भी रिसीव हुआ था ब्रांड के तरफ से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना तो मैं उसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक करना कि PR ने मुझे कंपनी ने मुझे कौन कौन से PR पैकेजेस भेजे थे, क्या क्या प्रोडक्ट उन्होंने मुझे भेजा था, मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे अब मैं सेटिंग्स कर रही हूँ अपने फेस को लूज़ पाउडर से एंड ये भी मैंने लिया है फॉरएवर 52 के ब्रांड के तरफ से और उससे मैंने अपने फेस को सेट कर लिया। और अब मैं ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का बिल्कुल न्यूड आई शेडो पैलेट एंड इस वाले से ब्राउन टोन मैंने निकाला एंड इससे मैं अपने आईब्रोज़ को फिल इन कर रही हूँ, क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा आज जो मेकअप हमारा होगा ना बिल्कुल न्यूड वे में मेकअप हो रहा है। आप देखना कि बिल्कुल न्यूड न्यूट्रल आई भी रहेगा,
फेस टोन भी रहेगा बट थोड़ा चीक्स हमारे हाईलाइटेड रहेगा, क्योंकि टर्किश मेकअप यूजुअली आप देखो ना तो एक एंगल एंड एक थोड़ा एजी लुक रहता है, मतलब क्या बोलो आप, जैसे कि हुडा ब्यूटी के आई शेडो में देखो पैलेट में भी वाइज दिख रहा है, रिबन आइज वाला लुक, तो उस टाइप का लुक होता है। तो यहाँ पे मैं हुडा ब्यूटी के आई शेडो में से ना जो उनके अपर मोस्ट आई शेडोज हैं सीरीज है उसका जितना भी ब्राउन ऑरेंज जितना भी टोन्स हैं थोड़ा सा न्यूड ब्राउन में उसको मैं लेके यहाँ पे 3 ट्रांजिशंस बना रही हूँ। पहले मैंने लाइट ब्राउन लाइट पीच टाइप का शेड लिया था, येलो विश पीची टाइप का शेड, उसको मैंने ब्लेंड किया। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा येलो अंडरटोन या ऑरेंज अंडरटोन का शेड लिया। उसके बाद मैं एक एंगल ब्रश से ना बस कॉर्नर्स में आप देख सकते हो मैं उसके ब्राउन टोन को लेके बस कॉर्नर डिफाइन कर रही हूँ एंड दैट्स इट। बस इतना ही हमें करना है इस मेकअप में एंड ये ना बहुत ही गो टू वाला मेकअप होता है एंड काफ़ी मस्त लगता है। मतलब मुझे इन पर्सनली इस टाइप के न्यूट्रल टोन्ड आई शेडोज बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके साथ अब मैं उसी में से ना इसका जो एक गोल्डन शेड है उसे पिक कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ब्रश में सेटिंग स्प्रे लिया एंड अब मैं उसे ले रही हूँ। दो आई शेडो को मैंने मिक्स किया था, एक सॉर्ट ऑफ पिंकिश टाइप का था, प्लम पिंक नहीं था, इट वॉज सम काइंड ऑफ यू नो वर्गंडी टाइप का पिंक था उसको, एंड गोल्डन को मिक्स करके फिर मैंने अच्छा सा शेड बनाया था। एंड उसके बाद उसे मैंने अपने वन हाफ जो आईलिड मेरा बचा उस वाले पे प्लेस कर रही हूँ अच्छे से। आप देख सकते हो बिल्कुल लाइट सा सिमर है ये, बिल्कुल लाइट शेड है क्योंकि मुझे थोड़ा सा न्यूट्रल चाहिए एंड अरेबियन मेकअप एंड जो टर्किश मेकअप होता है ना वो बहुत न्यूट्रल वे में जाता है, सटल न्यूट्रल लुक। एंड अब हम यहाँ पे मस्त वाला अपना अरेबियन लाइनर ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल पतला सा टर्किश लाइनर। एंड आप देखना ये बिल्कुल ब्रॉड नहीं होगा, इसके जो कॉर्नर्स हैं ना वो आप बहुत मतलब क्या बोले एकदम एजी होते हैं, पतले से एक्सटेंडेड होते हैं। तो या दैट्स इट, तो मैं यहाँ पे वही क्रिएट कर रही हूँ, आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग इट टू क्रिएट दैट एजी लुक। एंड उसके बाद मैंने यू कैन बी का आई शेडो पैलेट लिया है क्योंकि हुडा ब्यूटी के आई शेडो पैलेट में ये ऑरेंज शेड नहीं था एंड येलो शेड, मैं ऑरेंज एंड येलो दोनों का मिक्स कर रही हूँ। ये इतना ऑरेंज एंड येलो थोड़ा सा क्या बोलोगे बहुत ब्राइट टोन वाला है, ऑरेंज ऑलरेडी हुडा ब्यूटी पे है बट वो उतना ब्राइट नहीं है, तो मैं इन दोनों को मिक्स कर रही हूँ मेरे लोअर लैश में पुट करी, क्योंकि मेरा अपर जो आप आई शेडो देखोगे तो वो अंडर ब्राउन टोन गया है। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू पुट सम यू नो थोड़ा सा क्रिएशन और आप बोल सकते हो ब्राइट इफेक्ट, तो इस वजह से मैंने ये दो कलर ट्रांजिशन नीचे लोअर लैश में डाला। उसके बाद सिर्फ मैंने लैसेस लोअर लैसेस में ब्रश के हेल्प से मस्कारा को अप्लाई कर लिया। फिर मैं ले रही हूँ NYBAE का काजल, वाइट काजल, एंड उसको मैंने फिल इन किया है अपने लोअर आई लैश वाले एरिया पे। तो इसके बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मेवलिन कलोशल का मस्करा, मैंने अपने आई लैसेस को भी कर्ल कर लिया था। यहाँ पे थोड़ा सा ले रही हूँ कंसीलर एंड अपने लिप्स को कंसील आउट कर रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ काफ़ी पिगमेंटेड लिप्स हैं गाइज, तो इसमें जब भी मैं न्यूट्रल लिपस्टिक लगाऊंगी ना तो वो बहुत फेस ऑफ कर देते हैं, वाइट कास्ट दे देंगे मेरे फेस में जो कि बहुत अजीब सा लगेगा। एंड उसके बाद फिर मैं आई मैजिक के ब्लश ऑन में से टैंड कलर ले रही हूँ और उसके बाद फिर मैं वापस से टॉप अप कर रही हूँ मेरे ब्लशर के ऊपर एंड फिर मैं अब सेटिंग्स पे अप्लाई कर रही हूँ मेरे पूरे फेस पे क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा मेकअप हो गया है। एंड हुडा ब्यूटी के आई शेडो पैलेट में यहाँ पे भी देख लो ये सॉर्ट ऑफ टैंड टाइप का हाइलाइटर है वो मैंने अप्लाई किया मेरे टैंड किए हुए जो ब्लश ऑन है उसके ऊपर एंड ये बहुत सटल वे यार, मतलब बता नहीं सकती हूँ कि इतना मस्त ग्लो आ रहा था ना फेस में, ना ज़्यादा ओवर ना ज़्यादा सटल डाउन, मतलब बीच का टोन था एंड काफ़ी परफेक्ट लग रहा था। एंड फिर मैंने अपने ब्रॉ बोन्स को भी हाईलाइट किया हुडा ब्यूटी के ही गोल्डन हाइलाइटर को लेके इसी वाले पैलेट से। एंड फिर मैं यहाँ पे एक ब्राउन लिप पेंसिल ले ली हूँ, आई गेस मुझे इसका सेड नेम नहीं याद है, मैं डाल दूँगी मैंने किसका लिया था, जस्ट ग्लैम 21 का था, ये लोकल सॉर्ट ऑफ लिप लाइनर है। मैंने इसे अप्लाई किया अच्छे से अपने लिप्स को शेप देते हुए क्योंकि हमें ना लाइट शेड डालना है अब इसके अंदर, तो अच्छे से इसे अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद में मैंने ना हुडा ब्यूटी का लिपस्टिक लिया था, आई डोंट नो द शेड मुझे याद नहीं, पर पावर पिंक का कोई एक शेड था उसका, मैं नेम मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, डू चेकआउट। तो ये देख लो आप सॉर्ट ऑफ लाइट न्यूट्रल पिंक शेड है ये, तो अगर मैं इसे डायरेक्ट डालती ना तो मेरा फेस ना फेस ऑफ कर देता, मतलब वो कास्ट अजीब सा मेरा फेस लगता है, बहुत ही अजीब लगता। तो फॉर दैट रीज़न आई अप्लाइड लाइक लिप लाइनर फर्स्ट एंड देन आई एम यूजिंग लैक्मे का क्रेयोन एब्सोल्यूट का, लैक्मे एब्सोल्यूट का क्रेयोन लिपस्टिक है ये। एंड इसको बस मैं ना ब्रश के हेल्प से बस इनर कॉर्नर्स में लगा रही हूँ, देख लो कि मैं लिप्स के अंदर अंदर लगा रही हूँ और बाहर तक एक्सटेंड नहीं कर रही हूँ, एंड आई एम जस्ट मर्जिंग आउट द
जो मैंने शेड लगाया उसके साथ में। एंड फिर मैं अपने आई लैसेस को ले रही हूँ, इसमें ग्लू अप्लाई कर रहा है। उसके बाद ग्लू अप्लाई करने के बाद में इसे अपने मैं आई लैसेस में लगाऊंगी। ये ज़्यादा ना फ्लटरिंग है कॉर्नर्स का साइड में, तो वो मस्त अरेबिक सा लुक देता है। सो आई होप कि आपको ना आज का मेकअप अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो डू कमेंट मी डाउन बिलो। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल में तो डू सब्सक्राइब। और हाँ, मैं हिजाब ट्यूटर लाने वाली हूँ मेरे चैनल में, तो जरूर देखना। एंड आपको आज का मेकअप कैसा लगा डू कमेंट मी डाउन बिलो गाइज। एंड मुझे ये मेकअप क्रिएट करके काफ़ी अच्छा लगा। एंड ये हमारा ईद सीरीज़ का मेकअप है 2023 का। आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा। अच्छा लगे तो डू कमेंट शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाई।